जय हिंद दोस्तों, ग्रीन लाइब्रेरी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का बंदरगाह तथा भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई, टोटल जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई जो है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित जलीय सीमा की जो लंबाई है 7516.16 किलोमीटर है। 7516.16 किलोमीटर है। अगर बात कर 16 किलोमीटर है, अगर हम लोग बात करें कि भारत के जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की, तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद यहाँ इस साइड में महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बात करें तो इस वाले क्षेत्र में गोवा आ जाता है, गोवा के बाद से क्या आ जाता है आप लोगों का, केरला आ जाता है, गोवा के बाद कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाता है, तो ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद केरल आ जाता है, क्या आ जाता है, केरल आ जाता है। कर्नाटक के बाद क्या आ जाता है, केरल आ जाता है। इनका अपना अपना नाम भी है। अगर इधर की बात करें, पूर्वी तटीय है, सॉरी पश्चिमी तटीय है, तो पश्चिमी तटों के बारे में हम लोग बात करें तो पश्चिमी तट में देखिए, पश्चिमी तटवर्ती राज्यों के बारे में बात करें, पश्चिमी तटवर्ती राज्य में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो गया। गुजरात वाले तट को हम लोग स्वराष्ट्र तट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं हम लोग, स्वराष्ट्र तट। गुजरात वाले को स्वराष्ट्र तट कहते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, इन सबको हम लोग कहते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। उसके बाद से जो केरल वाला हिस्सा आ जाता है, उसे मालाबार तट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पश्चिमी तटीय राज्यों में अगर बात करें तो गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आ गया। और उनके तटों की बात करें तो ये स्वराष्ट्र तट हो गया, कोंकण तट हो गया और मालाबार तट हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी तट कौन कौन से है, तो स्वराष्ट्र तट, कोंकण तट, मालाबार तट। स्वराष्ट्र तट गुजरात में है, कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में है और केरल में मालाबार तट है। ये पूर्वी तटीय राज्य हो गए। अगर बात करें कि बंदरगाह, ऐसी कृति, ऐसे जल, मतलब ऐसा भाग, ऐसा भूभाग जहाँ पे समुद्र द्वारा किए गए आयात निर्यातों के सामान को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बंदरगाह कहते हैं। तो बहुत से बंदरगाह जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं और बहुत से बंदरगाह जो हम लोगों ने बनाया, प्राकृतिक जो नेचर द्वारा बना हुआ है, उस पर माल हम लोग लादने लगे, माल ढोने लगे, उसको कह दिया प्राकृतिक बंदरगाह। और कुछ बंदरगाह जो हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार कार्यों को करने के लिए बनाया, उसे कृत्रिम बंदरगाह का नाम दिए। ठीक है, तो कृत्रिम बंदरगाह के बारे में हम लोग बात करें तो गोवा में कुछ कृत्रिम बंदरगाह हैं, कुछ या कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं, महाराष्ट्र में कुछ बंदरगाह हैं, गोवा में कुछ बंदरगाह हैं, कर्नाटक में कुछ बंदरगाह हैं, कुछ केरल के में बंदरगाह हैं। अगर बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाहों की बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 13 बड़े बंदरगाह भारत में, कितने बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और भारत में छोटे बंदरगाहों की बात करें तो लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में छोटे बंदरगाहों की बात करें तो कितने बड़े छोटे बंदरगाह हैं, भारत में लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। अगर बड़े बंदरगाहों की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में, बड़े बंदरगाहों की संख्या टोटल 13 है और जिसमें अकेले तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। यहाँ पे तमिलनाडु तट होती है, तो 3 बड़े बंदरगाह, 3 सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों वाला राज्य हो गया तमिलनाडु। और सबसे ज्यादा जो छोटे बंदरगाह हैं, सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं आपके महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में 48 छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ, महाराष्ट्र में। और बड़े बंदरगाहों की सबसे ज्यादा संख्या जो है वो तमिलनाडु में है 3 और बड़े छोटे बंदरगाहों की संख्या 48 जो है महाराष्ट्र में है। अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या केरल में पाए जाने वाले बड़े बंदरगाहों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले गुजरात। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कंडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कंडला। गुजरात का जो ये बड़ा बंदरगाह है, गुजरात में पाए जाने वाले बंदरगाह को देखें तो गुजरात में एक कंडला बंदरगाह है जो कि बहुत बड़ा बंदरगाह है। ये पश्चिम तट पे स्थित कंडला बंदरगाह सबसे ऊपर हो गया स्थलीय, अगर स्थलीय जलीय बात करें, जलीय बंदरगाहों में तो सबसे पहले गुजरात में स्थित कंडला बंदरगाह
जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्रकृति द्वारा निर्मित बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। तो कंडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है। महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम मुंबई या बम्बई बंदरगाह बोलते हैं। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। यहाँ पे एक मुंबई बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार होती है। अगर ये भी पूछा जाए कि भारत में किस बंदरगाह से सबसे ज्यादा व्यापार होती है, तो सबसे ज्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से होती है। अब सबसे ज्यादा व्यापार होगी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे माल आएंगे, सामान आएंगे, तो सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा? मुंबई पे। तो इसको लोड कम करने के लिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण किया गया है। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया गया है? मुंबई बंदरगाह के निकट ही में, जिसका नाम न्हावा सेवा है। क्या है? न्हावा सेवा, जिसका नाम अभी बदल के जवाहरलाल नेहरू भी कर दिया गया है। न्हावा सेवा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया? न्हावा सेवा को। यानी कि मुंबई बंदरगाह और न्हावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह और न्हावा सेवा बड़े बंदरगाह में हो गया, कंडाला, मुंबई और न्हावा सेवा। अब बात करते हैं गोवा की, बात करते हैं गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मागुआ। गोवा के बंदरगाह का नाम क्या है? गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम है, गोवा में एक बंदरगाह है, एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है मर्मागुआ। गोवा में एक बड़ा बंदरगाह का क्या नाम है? मर्मागुआ। गोवा के बड़े बंदरगाह का नाम हो गया मर्मागुआ। गोवा में एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम हो गया मर्मागुआ। गोवा में एक बड़ा बंदरगाह है, तो देखिए बड़े बंदरगाहों में गुजरात में एक कंडला, महाराष्ट्र में मुंबई तथा न्हावा सेवा, और जो गोवा है उसमें है एक मर्मागुआ। गोवा के बाद अगर बात करें तो हम लोग कर्नाटक में जाते हैं। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। क्या है? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मैंगलोर। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। क्या नाम है? न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह का नाम क्या है? न्यू मैंगलोर। देखिए गुजरात में एक बंदरगाह है जिसे कंडला बंदरगाह कहते हैं। महाराष्ट्र के बंदरगाह जो मुंबई तथा न्हावा सेवा है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और उसके भार को कम करने के लिए वहीं पे एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम है न्हावा सेवा। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही है जिसका नाम है न्हावा सेवा, जिसका नाम बदल के अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कर दिया गया है। उसके बाद गोवा में मर्मागुआ है और कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद से एक ये तट में देखें तो केरल में भी एक बंदरगाह है। केरल में एक बंदरगाह है, जो केरल में बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन बंदरगाह। केरल के बंदरगाह का नाम क्या है? कोचीन बंदरगाह। केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन बंदरगाह। अब देखिए केरल के जो बंदरगाह है ये कोचीन बंदरगाह है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये इसका डॉक यार्ड बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो बेड़े, पुराने बेड़े हो गए उसको ला के यहाँ पे तोड़ा जाता है, या जितने भी खराब हैं उनको यहाँ पे ला के तोड़ा जाता है। तो जहाजों का कब्रगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को जहाजों का कब्रगाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे बड़े बड़े बेड़े, बड़े बड़े जहाजों को ला के तोड़ा जाता है। तो ये केरल में कोचीन बंदरगाह जो भारत का जहाजों का कब्रगाह कहा जाता है, भारत के जहाजों का कब्रगाह केरल बंदरगाह को कहा जाता है। अब हम आते हैं इस साइड में, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट में गुजरात में कंडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई तथा न्हावा सेवा, गोवा में मर्मागुआ, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, और उसके बाद से केरल में कोचीन है। उसके बाद से हम आते हैं तमिलनाडु में। अगर बात करें तमिलनाडु के बंदरगाहों की, अब आप बात करते हैं पूर्वी तटों की। पूर्वी तटों में सबसे पहले अगर सबसे नीचे देखें तो हम लोग नीचे वाला जो तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो कोरोमंडल तट है इस पे ये तमिलनाडु और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा होता है। तो जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में एक बंदरगाह है, तीन बंदरगाह हैं। भारत में सबसे बड़े बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बंदरगाहों की बात करें हम लोग, तमिलनाडु के बंदरगाह, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तीन बंदरगाह, तमिलनाडु में कितने बंदरगाह, तीन बंदरगाह। एक है वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, क्या है वी ओ चिदम्बरम, जिसका नाम तुतीकोरिन बंदरगाह भी है, वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह। पहला कौन, वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, जिसे तुतीकोरिन बंदरगाह भी कहते हैं, चिदम्बरम बंदरगाह या तुतीकोरिन, कौन सा, तुतीकोरिन, तुतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद से दूसरा जो अगर हम लोग बात करें तो दूसरा एक चेन्नई बंदरगाह, कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। ये जो ये कृत्रिम बंदरगाह है और भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा, जो हम लोगों द्वारा बनाया गया बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कौन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदर के बाद, बंदरगाह के बाद बात करें तो तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसे कहते हैं एन्नोर बंदरगाह, कौन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, कौन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। अब देखिए इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जाए तो एक बंदरगाह है जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह को क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह, क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम। तो भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह है, वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। इसके ऊपर हम लोग जाए तो उड़ीसा वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा वाला क्षेत्र आ जाता है, कौन सा क्षेत्र आ जाता है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, पारादीप बंदरगाह, क्या नाम है, पारादीप बंदरगाह, क्या नाम है, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो उड़ीसा के जो बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में एक बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। उसके बाद अगर आप लोग पश्चिमी, पश्चिम बंगाल में जाए तो अंग्रेजों के जमाने में सबसे फेमस बंदरगाह था जिसका नाम क्या था, हल्दिया बंदरगाह। अंग्रेजों के जमाने में कौन सा बंदरगाह था, हल्दिया बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह था, हल्दिया बंदरगाह। तो देखिए पश्चिम बंगाल डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित बंदरगाह को हल्दिया बंदरगाह, उड़ीसा में स्थित बंदरगाह को पारादीप बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह, तमिलनाडु में वी ओ चिदम्बरम बंदरगाह, चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में हो गए। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह रहे, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाहों के विषय में हम लोग लाइन एक लिस्ट बना लेते हैं और उसको याद कर जाते हैं। पूर्वी पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाहों के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम लोग गुजरात के बंदरगाह को देखते हैं। तो जो गुजरात में स्थित बंदरगाह है, जो गुजरात में स्थित बंदरगाह है उसका नाम है कंडाला बंदरगाह, क्या नाम है, कंडाला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात में स्थित कंडाला बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीन दयाल उपाध्याय। बहुत नाम चेंज हो रहा है, जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है ये लोग नाम चेंज करने में एक्सपर्ट है, तो ये लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसको विकसित कर दिए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद से हम लोग और बात करें तो गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में दो बंदरगाह, एक भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जिसका नाम क्या है, भारत का सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है, मुंबई बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक निर्मित बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। इसके भार को कम करने के लिए महाराष्ट्र में ही एक बंदरगाह बनाया गया है जिसका नाम क्या है, न्हावा सेवा, क्या नाम है, न्हावा सेवा, क्या नाम है, न्हावा सेवा, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है, न्हावा सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद से गोवा में बात करें तो गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मर्मागुआ, मर्मुगुआ, मर्मुगुआ, मर्मुगुआ बंदरगाह कहाँ है, गोवा में, मर्मुगुआ बंदरगाह कहाँ है, गोवा में, मर्मुगुआ बंदरगाह कहाँ है, गोवा में। उसके बाद कर्नाटक में हम लोग जाते हैं तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसमें, कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मैंगलोर,
न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में. न्यू मैंगलोर कर्नाटक. न्यू मैंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में. न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में. न्यू मैंगलोर के बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आ जाता है हमारा केरल. केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? केरल के जो बंदरगाह है उसका नाम एनोर बंदरगाह है. केरल के बंदरगाह का नाम क्या है? सॉरी, केरल का जो बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह. केरल में कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोचीन बंदरगाह, जिसे बंदरगाहों, जिसे जहाजों का कब्रगाह कहते हैं, जहां पे जहाजों को तोड़ा ओड़ा जाता है, तो कोचीन में ये काम होती है. तो कोचीन बंदरगाह को जहाजों का कब्रगाह कहते हैं. कोचीन बंदरगाह को क्या कहते हैं? जहाजों का कब्रगाह. भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र में. भारत का सबसे छोटे सबसे बड़ा ये कृत्रिम बंदरगाह न्हावा सेवा, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में, जिसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, और गुजरात वाले बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है. अगर बात करें पूर्वी तट के बारे में, तो पूर्वी तट में अगर हमने देखा कि तमिलनाडु, पूर्वी तट में क्या देखा? तमिलनाडु. क्या देखा? तमिलनाडु. तमिलनाडु में तीन बंदरगाह, वीओ चिदम्बरम, जिसे तुतिकोरिन बंदरगाह कहते हैं, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह. कौन सा? वीओ चिदम्बरम. वीओ चिदम्बरम के बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो बंदरगाह है उसे कहते हैं चेन्नई बंदरगाह. क्या है? चेन्नई बंदरगाह. चेन्नई बंदरगाह के बाद अगर बात करें तो एनोर बंदरगाह. तमिलनाडु में कितने? तीन. तो अगर पूछ दे कि बड़े बंदरगाहों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में. वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एनोर बंदरगाह. उसके बाद से अगर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों की बात करें, अगर आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है. भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है. कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह. विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है. आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसको विशाखापट्टनम बंदरगाह कहते हैं. उसके बाद से उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसे पारादीप बंदरगाह के नाम से जाना जाता है. उड़ीसा के बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? पारादीप बंदरगाह कहा जाता है, पारादीप बंदरगाह. उड़ीसा के बाद अगर पश्चिम बंगाल में जाए तो अंग्रेजों के जमाने से ही फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह. कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह. हल्दिया बंदरगाह अंग्रेजों के समय में सबसे व्यस्त बंदरगाह था, और ये कहा जाता था कि कलकत्ता का स्वर्ग है जो बंदरगाह था. तो वेस्ट बंगाल में जो पाया जाता है बंदरगाह वो कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह है. कौन बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह. ये एक नदी बंदरगाह है. इसके बाद से अगर वेस्ट बंगाल के बाद बात करें तो एक इधर जाते हैं अंडमान निकोबार, जो कि द्वीप समूह है. तो अंडमान निकोबार में एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो कि बहुत ही फेमस है. ठीक है, तो एक अंडमान निकोबार, वो भी पूर्वी तट का ही बंदरगाह है. तो अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में स्थित बंदरगाह को क्या कहते हैं हम लोग? पोर्ट ब्लेयर. अंडमान एंड निकोबार में स्थित बंदरगाह को क्या कहते हैं? पोर्ट ब्लेयर. कौन सा बंदरगाह? अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है, पोर्ट ब्लेयर. तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में अगर तमिलनाडु में देखें तो वीओ चिदम्बरम, चेन्नई और एनोर. आंध्र प्रदेश के बंदरगाह को देखें तो विशाखापट्टनम. उड़ीसा को देखें तो पारादीप. वेस्ट बंगाल को देखें तो हल्दिया. अंडमान और निकोबार को देखें तो पोर्ट ब्लेयर. अगर पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करें तो गुजरात में कंडला बंदरगाह स्थित है. महाराष्ट्र में मुंबई तथा न्हावा सेवा बंदरगाह है. गोवा में मरमू गोवा है. कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है तथा केरल में कोचीन बंदरगाह है. यही बंदरगाह भारत में जो 13 बड़े बंदरगाह हैं. अगर बंदरगाहों के विषय में दो तीन फैक्ट और अगर हम लोग जानना चाहें तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह. सर्वाधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से ही होता है. इसके भार को कम करने के लिए न्हावा सेवा बंदरगाह, जिसका अभी तत्कालिक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से रख दिया गया है, तो वो है. उसके बाद से सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति करने वाला जो बंदरगाह है, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा आयात या निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो कंडला बंदरगाह से. गुजरात में स्थित कंडला बंदरगाह से भारत में सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति होती है. ठीक है, पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में, वहां से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है. लोहे के सामानों का निर्यात पारादीप बंदरगाह कहता है. देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछता है कि देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह वो है एनोर बंदरगाह. तमिलनाडु में स्थित एनोर बंदरगाह को देश का पहला
क्या बोलते हैं, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहते हैं। तो देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एनोर बंदरगाह है। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली, अगर इन जानकारियों को आप लोग नोट करते हैं और बार बार दोहराते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी ही नॉलेज हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।